बच्चा पार्टी, आफ्टर लर्निंग स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स, लेट अस ऑल्सो लर्न देयर मीनिंग। इन वर्ड्स का स्पेलिंग तो हमने जान ही लिया, अब इनका मीनिंग भी हम जानेंगे, ठीक है? हाउस, हाउस का मतलब क्या होता है? घर। आप अभी अपने स्क्रीन पर एक प्यारा सा घर देख रहे हैं, है ना? नेक्स्ट इज लिटिल। नाउ व्हाट डज दिस वर्ड लिटिल मीन? लिटिल मीन्स स्मॉल। अब लिटिल या स्मॉल, इसका क्या मतलब है? ओके, अभी आप अपने स्क्रीन पर दो हाथियों को देख रहे हैं ना? दिस छोटू हाथी बेबी एलिफेंट इज अप्पू हाथी एंड दिस वन इज गप्पू हाथी। अब तुम मुझे ये बताओ तो कि दोनों में बड़े साइज का कौन और छोटे साइज का कौन? बिल्कुल सही आपने बताया, ये हाथी अप्पू हाथी इज अ लिटिल एलिफेंट, इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, लेकिन ये गप्पू हाथी इज अ बिग एलिफेंट। ओके, नाउ बेटा टेल मी विच फ्रूट इज इट? ये कौन सा फल है? एप्पल। एप्पल खाते हो डेली? मैं तो नहीं खाती, मुझे नहीं अच्छा लगता। ओके, व्हाट इज द कलर ऑफ दिस एप्पल? बेटा इस फ्रूट एप्पल का कलर क्या है? आपको अच्छे से पता है दैट दिस कलर इज रेड। सो हियर ऑन द स्क्रीन यू आर सीइंग अ रेड एप्पल विथ अ ग्रीन लीफ। ये देखिए बेटा, यहाँ पर दो लड़कियां हैं, ये है छोटी और ये है बड़ी, है ना? बेटा ये जो छोटी है, शी इज अ चाइल्ड एक्चुअली, क्योंकि आपको तो पता है चाइल्ड मतलब क्या होता है? अ किड, छोटा बच्चा, है ना? और ये बड़ों को हम लोग क्या कहेंगे? बड़ों को हम लोग कहते हैं एडल्ट, एडल्ट, ठीक है? एडल्ट, A-D-U-L-T। ये कैसा फेस है बच्चों? वेरी गुड, दिस इज अ हैप्पी फेस, बहुत खुश है ये तो। लेकिन ये दिस इज अ सैड फेस, और ये तो लगता है मुझसे ही गुस्सा हो गया है, सो दिस इज एन एंग्री फेस। बेटा ए एन एन जी आर वाई ग्री, ठीक है? तोड़ तोड़ के इसको याद करोगे, एंग्री, ए एन एन जी आर वाई ग्री, एंग्री। अरे रे 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 रे, ये तो रोने ही लग गया है ना? सो इट इज क्राइंग, सी आर वाई, क्या पढ़ेंगे इसे? क्राई, सी आर वाई क्राई। इसे थोड़ा चुप भी करा दो तुम लोग। और ये देखो, ये तो हंस रहा है, सो इट इज लाफिंग, है ना? लाफ, लाफ मतलब हंसना। और इसे क्या हुआ? ये तो डर गया है, सो ही इज अफ्रेड। अब अफ्रेड को कैसे याद कर सकते हो? ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स बेटा, ए एफ अफ R A I D, raid, A F F R A I D, raid, afraid, ठीक है? afraid मतलब डर जाना। ये देखिए बच्चों, आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने एक पूरा पिज्जा जो था वो ऑर्डर कर लिया, सो हियर इज द पिक ऑफ होल पिज्जा। लेकिन भूख लगी थी ना बेटा, मैंने सारा खा लिया, Only a part of this pizza is left now. Next word is hardly. H-A-R-D, hard, L-Y, ly, hardly. What is the meaning of this word hardly? Hardly मतलब मुश्किल से, ठीक है? कभी कभी ही ऐसा होता है। I hardly watch TV. कभी कभी ही मैं टीवी देखती हूँ। I hardly play. मैं कभी कभी ही खेलती हूँ। I hardly cook food. मैं कभी कभी खाना बनाती हूँ। I hardly study. मैं कभी कभी पढ़ती हूँ। Okay? So hardly. Okay. बेटा shade. Shade का मतलब क्या होता है? छाव। जैसे कि ये बच्चा जो है, देखिए, he is sitting under this tree.
ये इस पेड़ के नीचे बैठा है, सो ही सिटिंग अंडर द ट्री। क्यों बैठा है? हो सकता है उसे अच्छा लग रहा हो। उसके साथ साथ बेटा द ट्री विल ऑल्सो गिव हिम शेड फ्रॉम सन, धूप से बेटा उसे छाव भी यहाँ पर मिलेगी। सूर्य अगर यहाँ पर होगा, सन अगर होगा, तो पेड़ जो है बेटा इसके ऊपर छाव कर देगा, उसे शेड मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट इज अंडर। एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, अंडर मतलब किसी चीज के नीचे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, दिस गर्ल इज एक्चुअली अंडर अ टेबल, है ना। इस टेबल के नीचे ये छुप गई है। एंड हियर मिस्टर बीन इज अंडर द ब्लैंकेट, ये अपने कंबल ब्लैंकेट के अंदर चले गए हैं मिस्टर बीन। और यहां पर क्या हो रहा है भाई, ये बनीज जो है रैबिट, है ना, ये रैबिट्स कहां पर हैं? दे आर अंडर द ट्री। ये देखिए यहां पर ये बनी ट्री के नीचे, और ये कौन है आप मुझे बताओ? और ये सो कौन गया भाई?